Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम चालू करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इससे पहले वाले जितने भी फाइलम्स हैं दैट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, आप उसको जाके देख सकते हैं। अभी हम आर्थ्रोपोडा के साथ चालू करते हैं और आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। उसमें ऑलमोस्ट 9 लाख ना नागर के भी 9 लाख स्पीशीज़ तो होती है। सब जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जितने भी आर्थ्रोपोडा के फाइलम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डिफर करते हैं ऑब्वियसली, बट लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है। मतलब इसीलिए तो उसको फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा है, ठीक है ना। तो सबसे मेन बात कि उस बहुत बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ आर्थ्रोपोडा। ये पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम तो आर्थ्रोपोडा। तो अब हम उसके आगे आगे बढ़ते हैं हैबिटेट वगैरह से, तो चालू करते हैं। फर्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट। वही हम सीरीज में जाएंगे जैसे हम पहले जाया करते थे। ओके, अगर ओशन में रहते हैं, ओशन में कौन रहता है? ओशन में रहता है लैम्ब। लैम्ब ओशन में रहता है? यस, ओशन में लैम्ब रहता है, यानी लिम्यूलस। कोई भी लैम्ब लिख के आया तो देख लेना, लैम्ब सिर्फ एक तरीका है कि आप ओशन को लिम्यूलस का के साथ ऐसे रिलेट करवाओ, आपका एग्जांपल याद रहे, ठीक है। देन लैंड, लैंड तो सबको पता है। ज़मीन पे ऐसा कौन सा आर्थ्रोपोडा है जो घूमता है और सबसे ज़्यादा फेमस है? कॉकरोच। और एक होता है लोकस्ट। देन एयर, एयर में वी हैव मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, है ना, इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। और फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर कौन रहता है? डॉल्फिन रहती है। तो मैं डॉल्फिन लिखूँ, डॉल्फिन इज नॉट अ आर्थ्रोपोडा, वो डेल्फिनिया। इससे आपको याद रहेगा फ्रेश वाटर में कौन रहता है? डॉल्फिन रहता है, और ओशन में रहता है लिम्यूलस। नेक्स्ट सिमेट्री, तो इसकी सिमेट्री क्या होती है? बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेन सिस्टम, क्योंकि अब तो डेवलप्ड आ गए हमारे पास सारे। सेगमेंटेड होती है कि नहीं? यस, इट इज सेगमेंटेड। देन वी हैव सीलोम, तो इसके अंदर होता है ट्रू सीलोम। ओके, इसको लिख लो, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जर्म लेयर, जर्म लेयर में क्या आएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ओके, नाउ बॉडी फॉर्म। आर्थ्रोपोडा की बॉडी इज नाइसली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आप देखोगे तो आपको आराम से दिखेगा तीनों चीज़ें डिफरेंशिएटेड फॉर्म, ठीक है। बॉडी फॉर्म, इसमें जो बॉडी होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो काइटिनियस होती है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है आर्थ्रोपोडा की वो काइटिन की बनी होती है,
वो हार्ड होती है, वो वाटर प्रूफ होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, वो हर थोड़े थोड़े इंटरवल में अपनी जो आउटर बॉडी होती है उसको शेड कर देती है, मतलब निकाल देती है अपने ऊपर से। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। मोल्टिंग आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आउटर मोस्ट जो लेयर है वो निकाल देता है अपने ऊपर से, दैट इज़ नोन एज मोल्टिंग। जब हम लोग कॉकरोच पढ़ते तो उसमें भी बताते हैं कि वो 13 टाइम्स मोल्टिंग करते हैं, मतलब 13 टाइम्स वो अपनी स्किन अपने ऊपर से निकाल देता है। ठीक है, दैट इज़ मोल्टिंग। अब जो अंदर का जो भी पार्ट होता है, क्योंकि बाहर की लेयर है वो वाटर प्रूफ है, इसलिए ऐसा मान लो कि अंदर का पार्ट का जो भी सामान है जैसे वाटर है तो वो वाटर लॉस होने ही नहीं देता बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ इट्स आउटर लेयर। ठीक है, ऑल्सो जॉइंट अपेंडेजेस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम तो पुअरली डेवलप्ड है, बट टू कॉम्पेंसेट दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम आगे नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। सेंसरी ऑर्गेन, टच, स्मेल, हियर, साइट, ये सब सेंसेस होते हैं आर्थ्रोपोडा के पास। ठीक है, आर्थ्रोपोडा बोले तो हाँ, आप लोग ये भी सोच सकते हो कॉकरोच से कि टच की भी सेंसेशन होती है, स्मेल की भी होती है, हियर की भी होती है, साइट की भी होती है। जिन लोगों ने कॉकरोच पढ़ लिया उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा जब हम पढ़ेंगे तब आप पता कर लेना। ठीक है, तो आपको पहले से ही ये आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एज यूजुअल मैं नंबर भूल चुकी हूँ तो आप लिख लेना जो भी है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम। गिल्स जिसके पास होते हैं उनका एग्जाम्पल है एक्वेटिक अर्थ्रोपॉड। जैसे कि प्रॉन, क्रैब, ये सब। ठीक है, बुक गिल्स जिसका पास होते हैं उनका एग्जाम्पल है लिम्यूलस। एक लैमेलस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं कि जैसे वो बुक का ऐसे अपियरेंस देते हैं, सो इसीलिए उसको हम बोलते हैं बुक गिल्स। गिल्स इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली पानी में जितने भी है उन सबके पास गिल्स होने चाहिए। फिश में गिल्स होते हैं ना, उनमें कहाँ लंग्स होते हैं, ये तो पता ही होगा सबको। तो इसलिए एक्वेटिक अर्थ्रोपॉड में गिल्स होते हैं, लेकिन जो लिम्यूलस है वो उनमें बुक गिल्स होते हैं, मतलब लैमेलिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, जो बुक का अपियरेंस देते हैं, तो इसलिए उसको बुक गिल्स बोलते हैं। बुक लंग्स क्या होता है? इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बुक गिल्स बस। और ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है? ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं जो बाहर के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, तो वो ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इंसेक्ट्स में, जैसे कि बटरफ्लाई, मॉस्किटो। तो कैसे है ना कि एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक एयर ट्यूब्स। ठीक है, अब जो बाहर के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरेकल्स। ठीक है, इलास्टिक एयर ट्यूब्स होते हैं जिसको ट्रैकिए बोलते हैं, और वो बाहर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, और ये जो पोर बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरेकल्स। बुक लंग्स, बुक लंग्स का एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन और स्पाइडर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना अच्छे से डेवलप्ड है। जब मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम बोला तो बोला कि सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उसमें मालफीजियन ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं। मालफीजियन ट्यूबल्स आर कनेक्टेड टू एलिमेंटरी कैनाल और फिर उसके बाद वो वेस्ट निकाल देते हैं थ्रू फीकस और कहाँ से निकलता है एनस से वेस्ट निकलता है। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दे आर मोस्टली डायोशियस। डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। ठीक है, जो फीमेल होती है दैट इज ओवीपेरस यानी लेज एग्स, एग ले करती है दैट इज कॉल्ड एज ओवीपेरस एक्सेप्ट स्कॉर्पियंस विच इज वीवीपेरस। ओके, फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यूजुअली है ना, एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो यूजुअली वी हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट डेवलपमेंट। कुछ लोगों का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और कुछ लोगों का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एग्जांपल एनोफिलिस, क्यूलेक्स, ये दोनों मॉस्किटो के अलग अलग नाम है, एनोफिलिस मॉस्किटो और क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, ये लोगों की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब अगर आपके सेंस ऑर्गन्स वाले पार्ट में जगह बची हो तो उसमें और भी लिख दो, क्योंकि मैं कुछ बताना भूल गई थी तो अभी बता देती हूँ सेंस ऑर्गन्स वाले में। हम अगर कॉकरोच को दिमाग में रखते हुए ये पढ़े तो बहुत इजी लगता है, क्योंकि उसमें सेम होता है। ठीक है, एंटीना, आई एंड स्टेटोसिस्ट। एंटीना के अंदर टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। टैक्टाइल यानी टच, ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल। एंटीना के अंदर टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिससे वो सेंस कर सकती है टच एंड स्मेल। ठीक है, आई कैन इधर बी सिंपल और कंपाउंड। अब आपको बता दूं कि इनकी आई होती तो है, सिंपल भी होती है, कंपाउंड भी होती है, बट लेकिन एक चीज़ होती है कि उन लोगों को जैसे हमें दिखता है ना क्लियर विजन, वैसे नहीं दिखता, उनको एक मोसेक विजन दिखता है, MOSAIC मोसेक। कैसे ऐसे अलग अलग बॉक्स जोड़े हुए हों वैसा दिखता है मोसेक विजन, तो वो उनको दिखता है, हमारे जैसे एकदम क्लियर नहीं दिखता, इट्स लाइक अ पजल। ओके, तो सिंपल एंड कंपाउंड है। स्टेटोसिस्ट ऑब्वियसली बैलेंस। ठीक है, ये इसके सेंस ऑर्गन्स है। हाँ, इन लोगों को दिखता अच्छे से नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं सकते, वो डिम लाइट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ब्राइट लाइट को भी मतलब सेंस कर सकते हैं। ठीक है, बस उनको विजन उनकी अलग होती है हमसे, मोज़ेक विजन होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। यूजुअली क्या क्या होता है, वन लेब्रम, वन लेबियम, वन हाइपोफेरिंग्स। टू मैंडिबल, टू मैक्सिला। अगेन कॉकरोच में सेम ऐसा होता है, उसमें आप पढ़ोगे डिटेल में सेम यही होगा, तो आपको यहीं से ही आता होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट्स।
कौन कौन से हुए? एक बाइटिंग एंड च्यूइंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, च्यूइंग एंड लैपिंग, स्पॉन्जिंग, सिफोनिंग. मतलब ये सब काम करने के लिए माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड. बाइट एंड च्यू करने के लिए मॉडिफिकेशन होती है, पियर्स और सक करने के लिए मॉडिफिकेशन होती है, च्यूइंग एंड लैपिंग करने के लिए मॉडिफिकेशन होती है, स्पॉन्जिंग एंड सिफोनिंग. तो हम उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं अब. ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. बाइटिंग एंड च्यूइंग, ग्रास ऑफर, कॉकरोच, क्रिकेट, ये जो है इन लोगों को माउथ पार्ट्स मॉडिफाई करने होते हैं क्योंकि उनको बाइट और च्यू करना होता है. उनको खाना खाने के लिए बाइट करना होता है और चबाना होता है. तो दैट इज़ ग्रास ऑफर, कॉकरोच, क्रिकेट, ये सारे एनिमल्स को बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है. मतलब ऐसा. ओके, पियर्सिंग एंड सकिंग, इसका मतलब जैसा नाम बता रहा है, पियर्स करना मतलब पहले छेद करना और फिर सक करना उसको. तो मॉस्किटो एंड बेड बग्स, है ना, मच्छर ही है जो खून पी जाता है, वो कैसे पहले पियर्स करता है उसके बाद उसको सक कर लेता है. दैट इज़ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. तो मॉस्किटो एंड बेड बग्स, जैसे जैसे काम है वैसे वैसे आपको नाम भी आ जाएंगे. जैसे बाइट और च्यू करना, तो कॉकरोच क्या है? बाइट और च्यू करता है. ग्रास ऑफर, देन क्रिकेट, उसके बाद पियर्सिंग एंड सकिंग, तो मॉस्किटो एंड बेड बग. च्यूइंग एंड लैपिंग, च्यूइंग का मतलब तो आपको पता है, लैपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिक्विड को, मतलब जैसे टंग की मदद से कोई भी लिक्विड को स्कूप करके उसको पी जाना, तो दैट इज़ च्यूइंग एंड लैपिंग. तो वो कौन करता है? हनी बीज करते हैं. स्पॉन्जिंग, हाउस फ्लाई के अंदर मस्कीटोज नहीं होते हैं, और ये क्या करती है कि जो भी शुगर होता है उसको अपने मुँह में ले लेती है, उसको डिजोल्व कर लेती है, और जो भी लिक्विफाइड फूड होता है वो खा जाती है. तो दैट इज़ स्पॉन्जिंग. तो उसका एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, एंड सिफोनिंग का एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड मॉथ. अब इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको दो चार फैक्ट्स बता देती हूँ. सबसे पहला कि ड्रैगन फ्लाई फीड्स ऑन द लार्वा ऑफ मस्किटो, मस्किटो का लार्वा खाती है ड्रैगन फ्लाई. दूसरी बात, ग्लोवर्म, फायर फ्लाई जो होते हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करती है? वो चमकती है ना, जो उसको वो इसलिए चमकती है क्योंकि वो प्रॉपर्टी शो करती है बायोल्यूमिनेसेंस की. मतलब बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट देना, दैट इज़ नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस. तो वो प्रॉपर्टी कौन शो करता है? फायर फ्लाई. नेक्स्ट, मस्कीटोज़ की जो एंटीना होती है उसके ऊपर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज जॉनस्टन्स ऑर्गन. वो क्या है ना, वाइब्रेशन को सेंस करता है, जॉनस्टन्स ऑर्गन. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंटीना ऑफ मॉस्किटोज. और मॉस्किटो और हाउस फ्लाई में ना जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ विंग्स होते हैं वो ड्रम स्टिक शेप, वो बैलेंस में मदद करते हैं उनको, जिनको हम बोलते हैं हॉल्टर्स. बस हॉल्टर्स. तो हॉल्टर्स क्या होते हैं कि एक तो ड्रमस्टिक शेप होते हैं, हाउस फ्लाई मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम क्या होता है? उन लोगों को बैलेंस का प्रोवाइड करना. बाकी ऐसा जो उसका कोई फंक्शन नहीं होता, वो विंग्स ही होते हैं एक तरीके के. ये होता है, यहाँ पे फैक्ट्स ख़त्म. अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंसेक्ट्स की अभी डिविजन पढ़ते हैं, ओके, क्योंकि इंसेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्थ्रोपोडा. ओके, तो दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ इंसेक्ट्स. ए मेटाबोलस, पोरो मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस, और एक के लिए जगह नहीं बची थी तो नीचे लिख दिया हाइपर मेटाबोलस. ठीक है, ये सब का मतलब जानते हैं. ए मेटाबोलस, ए मेटाबोलस मतलब ए इन बायोलॉजी मीन्स एब्सेंट. तो व्हाट इज एब्सेंट? मेटामॉर्फोसिस. सो नो मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज इन लाइफ फॉर्म. नो मेटामॉर्फोसिस मतलब एग से डायरेक्टली यंग जाएगा, यंग वन, और यंग वन से डायरेक्टली अडल्ट बन जाएगा. देर इज़ नो इन बिटवीन द बोथ. ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, और क्योंकि थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स है इसलिए उसको बोलते हैं हेक्सापोडा. पोडा मीन्स लेग्स. तो ए मेटाबोलस में नो मेटामॉर्फोसिस. एग्जाम्पल लेपिसमा और सिल्वर फिश. एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे. पोरो मेटाबोलस मतलब ग्रेजुअली अभी मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट ही हो रही है. निम्फ एंड अडल्ट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर. जो निम्फ है और उस अडल्ट है वो दोनों का स्ट्रक्चर
में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो लाइफ का मोड है वो बिल्कुल सेम होता है। तो मतलब थोड़ा सा सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है मेटामॉर्फोसिस होना, इट्स ऑन द इनिशियल स्टेज। तो पोरो मेटाबोलिस्म, मतलब दिस इज प्योरली नॉट मेटाबोलिस्म, प्लस मेटाबोलिस्म, मतलब सिर्फ ये याद करने के लिए बोल रही हूँ, लिख के मत आना प्योरली वाला, वो पोरो के साथ मैच हो इसलिए मैं बोल रही हूँ। सिर्फ ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस मतलब अभी स्टार्ट हुई है, तो निम्फ और अडल्ट दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे, बट लेकिन मोड ऑफ लाइफ दोनों की सेम होगी। एग्जाम्पल कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर। हैवी मेटाबोलस, वी हैव इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ लाइफ आर डिफरेंट। तो मतलब एग आएगा यंग वन, या फिर नायार्ड बोलते हैं इसको, और अडल्ट को बोलते हैं इमागो। इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है बट इनकम्प्लीट होती है, स्ट्रक्चर वगैरह दोनों के डिफरेंट होते हैं, मोड ऑफ लाइफ भी डिफरेंट होती है, बट ऐसे कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होती कि अलग से एक प्यूपा या कुछ ऐसे अलग बन जाए। तो हेमी मेटाबोलस का एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाइज और मे फ्लाइज। होलो मेटाबोलस, एग फिर लार्वा फिर प्यूपा और उसके बाद अडल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल बटरफ्लाई, तो यार प्यूपा बटरफ्लाई नहीं पता तो क्या पता है, बटरफ्लाई, मॉथ, हनी बी, बीटल, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ होलो मेटाबोलस। लास्ट हाइपर मेटाबोलस, तो एक लार्वा स्टेज से भी ज़्यादा होती है, सिर्फ एक, जैसे उसमें सिर्फ एक ही लार्वा स्टेज थी, इसमें एक से ज़्यादा होगी। सो एग लार्वा वन देन लार्वा टू, पर जो दोनों लार्वा होते हैं ना दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों भी सेम नहीं होते हैं ऐसा। इसका एग्जाम्पल इज लाइटा विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लिस्टर बी। तो एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे, ड्रैगन जैसे, सॉरी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वगैरह तो आपको पता ही है कि ये वो लार्वा और प्यूपा शो करता है। तो बटरफ्लाई, मॉथ, हनी बी, बीटल इज होलो मेटाबोलस। पहले तो ये इसकी सीरीज याद कर लो, ए मेटाबोलस, पोरो मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस और फिर हाइपर मेटाबोलस, ठीक है। सीरीज याद हो गई, फिर से बोलो, ए मेटाबोलस, होलो मेटा, सॉरी ए मेटाबोलस, पोरो मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस और हाइपर मेटाबोलस, दीज आर सीरीज में कौन कौन से, ए, पोरो, हेमी, होलो, हाइपर, ये सब सिर्फ सीरीज हुई। अब धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस बढ़ रहा है, फुल किस में आ जाता है, होलो मेटाबोलस। होलो यानी खोखला, है ना, तो खोखला मतलब खाली, तो इससे समझ जाओ कि अब खाली हो गया, बाकी का कुछ नहीं बनना, अब मेटामॉर्फोसिस शो करेगा। और जो बाकी लास्ट बचा हाइपर, मतलब एक से भी ज़्यादा, हाइपर का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा, तो एक से भी ज़्यादा लार्वल स्टेजेस शो करेगा, ठीक है। और बस फिर धीरे 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 वो इंक्रीज करते जाना, और एग्जाम्पल्स याद रखना, लेपिस समास, सिल्वर फिश, क्योंकि फिश है, मतलब है तो एक्चुअली आर्थ्रोपोडा, पर याद करने के लिए बोलूँ क्योंकि फिश है, इसका मतलब ये आर्थ्रोपोडा की नहीं है, तो ये इसमें आते आते, मतलब फिश है, फिश आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है, पर लेकिन इसमें सिल्वर फिश लिखा है, तो फिश पूरी तरीके से तो आर्थ्रोपोडा नहीं हो सकती ना, सिर्फ थोड़ी सी रिजेंबल कर सकती है आर्थ्रोपोडा की, तो सिल्वर फिश इसलिए ए मेटाबोलस में आती है। क्या ये सच है? नहीं। क्या ये सिर्फ ट्रिक के लिए यूज़ कर रहे हैं हम? हाँ। तो इस तरीके से आप याद रखो, सिल्वर फिश ए मेटाबोलस। और लेपिसमा, कॉकरोच और ग्रास ऊपर हमेशा साथ साथ चलते हैं, जीसी, और क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं, प्योर फ्रेंड है, इसलिए कॉकरोच और मेटाबोलस विल बी इन पोरो मेटाबोलस, ठीक है, ये याद हो गया। ड्रैगन मे बी हैमी, ड्रैगन फ्लाई इज द हैमी ऑफ ड्रैगन, ऐसा, हाँ ऐसा रखो, ड्रैगन फ्लाइज मे बी द हैमी ऑफ ड्रैगन, मतलब ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं क्या वो ड्रैगन होते हैं? नहीं, ड्रैगन फ्लाइज होते हैं ड्रैगन के हैमी, हैमी मतलब आधे, तो ड्रैगन फ्लाइज मे बी हैमी ऑफ ड्रैगन, हैमी का मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ आधे। होलो मेटाबोलस खोखला, कौन कौन खोखला होते हैं? बटरफ्लाई, मॉथ, हनी बी, बीटल, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है, याद रहेगा। और हाइपर मेटाबोलस में लाइटा, लाइटा सबसे अलग नाम है इसलिए सबसे हाइपर में आएगा, ओके। सो दीज आर द जायंट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फाइलम है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, जो कि सारे के सारे करने हैं, कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एनसीईआरटी के सारे करने हैं। ये जो दो है ये मेन है, जैसे कि इकोनॉमिकली यूज़फुल कौन कौन से आर्थ्रोपोड होते हैं, मतलब हमारे लिए यूज़फुल है तो मिलन तो करना ही पड़ेगा। तो एपिस, एपिस इज हनी बी, हनी बी से क्या आता है? हनी आता है ऑब्वियसली, जो हम खाते हैं। बीज वैक्स आता है, बीज वैक्स का क्या फंक्शन होता है? वो कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स सिल्क वर्म, तो वहाँ से क्या आता है? सिल्क आती है। सिल्क में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? साड़ी बनाने में, शॉल बनाने में यूज़ करते हैं। लेसिफर, लैक इंसेक्ट, तो इससे हमको मिलता है लैक। लैक क्या करता है? इट इज़ अ सीलिंग वैक्स यूज्ड इन बैंगल्स एंड टॉयज, टॉयज और बैंगल्स में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वैक्स, तो ये इकोनॉमिकली यूज़फुल है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको करने ही हैं।
ये आपको उसमें भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। वेक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है, और उसमें जो पहले तीन है वो तो उससे भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग वो ट्वेल्थ के ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। एनाफिलिस मस्कीटो से मलेरिया होता है, ये तो जिनने ह्यूमन हेल्थ पढ़ा उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा, जिनने नहीं पढ़ा वो लोग अभी याद रख लो, बाद में वैसे भी डिटेल में पूरा मलेरिया पढ़ना है। तो एनाफिलिस मस्कीटो प्रिसाइजली फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो से मलेरिया होता है। क्यूलेक्स मस्कीटो से फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस क्या होता है कि एक पैर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एलिफेंट जैसे जायंट हो जाता है, दैट इज़ एलिफेंटियासिस, तो वो क्यूलेक्स मस्कीटो से होता है। ईडीज मस्कीटो से डेंगू होता है और चिकनगुनिया होता है, ये भी हम लोग ह्यूमन हेल्थ में पढ़ते हैं। देन जिनोप्सिला, अभी ये आगे आप नहीं पढ़ो तो चलेगा, बट लेकिन पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनोप्सिला या रेड फ्लीस से हमें प्लेग होता है, क्योंकि रेड नाम है तो रेड का मतलब फिर प्लेग। क्लॉसियाना से स्लीपिंग सिकनेस, और प्लीबोटोमस या सैंडफ्लाई से काला आजर। काला आजर इज़ अ आँख का कोई डिजीज, ठीक है। अब वेक्टर का मतलब क्या है कि एनोफिलस मस्कीटो से मलेरिया होता है? नहीं, वेक्टर क्या करता है कि जैसे एनोफिलस मस्कीटो होती है वो प्लाज्मोडियम लेती है, प्लाज्मोडियम से हम लोगों को मलेरिया होता है, तो ये एनोफिलस मस्कीटो है, ये प्लाज्मोडियम है। एनोफिलस मस्कीटो गई, प्लाज्मोडियम को अपने साथ लिया और वो ह्यूमन के अंदर आई, तो अब मुझे क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। क्यों? एनोफिलस मस्कीटो की वजह से मलेरिया हुआ? नहीं, मुझे प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हुआ। एनोफिलस मस्कीटो ने सिर्फ क्या किया कि वहाँ से उठा के प्लाज्मोडियम को मेरे पास दे दिया, दैट इज़ नोन एज वैक्टर। तो ये जो पेन है ये वैक्टर है, और ये जो प्लाज्मोडियम मेरे अंदर आया वो किसकी मदद से आया? पेन की मदद से। तो वेक्टर का मतलब ये होता है। तो ये सब वो डिजीज कॉज करते हैं का मतलब ये नहीं है कि इनकी वजह से डिजीज कॉज होती है, इसने सिर्फ वो जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है वो इनके अंदर डाल दिया, ह्यूमन के अंदर डाल दिया, तो ये सब डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीगेरियस पेस्ट, इसमें आप लोकस्ट अच्छे से याद रखना, और एक लिविंग फॉसिल में उसमें लिम्यूलस याद रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ही है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बाकी सब अगर आपको याद रहते तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखो, स्कॉर्पियन स्पाइडर टिक माइट ये सब तो याद ही है, फिर प्रॉन भी याद होता है, श्रिम्प क्रैब का कैंसर है, तो ये सब याद रख सको तो अच्छा है, बाकी लिख तो लो ही कम से कम बुक में। डेफनिया तो हमने पढ़ लिया तो ये याद रखना, देन लूसीफर पेलिनस सब लिख लो, ठीक है। तो बस इसके साथ एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक टॉपिक रह जाता है अर्थ्रोपोडा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ओनिकोफोरा और एक मीनोस्ट्रोमा। ओनिकोफोरा में ओनी मतलब क्लॉ और कोरा को फोरा मतलब बियर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच बियर्स क्लॉ, तो उसका एग्जांपल है प्लेटिपस या फिर वेलवेट फॉर्म। मीरोस्टोमेटा वो एनिमल्स होते हैं जो हॉर्शूज शेप क्रैब, उनको हम लोग मीरोस्टोमेटा में क्लासीफाई करते हैं, एग्जांपल लिम्यूलस किंग क्रैब या फिर हॉर्स शू शेप्ड क्रैब। ये तो टंग ट्विस्टर हो गया, हॉर्स शू शेप्ड क्रैब, ठीक है। अब पेरीप्लेटस बहुत खास होता है, अगर आपने वो कार्टून देखा वो प्लेटिपस पेरी वाला, ये वही है ना, पेरीप्लेटस। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ पहले एनालिडा आया फिर आर्थ्रोपोडा आया, बट एक्चुअली में क्या होता है, एनालिडा होता है फिर ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता है फिर आर्थ्रोपोडा होता है। तो जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन है उसमें बीच में एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीप्लेटस, वो फॉर्म होता है जिसको हम, क्योंकि वो दोनों के बीच में है जिसमें दोनों एनालिडा और आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। वापस एनालिडा है, वो ये धीरे 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 इवोल्यूशन करके बन रहा है आर्थ्रोपोडा, और वो धीरे 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 ग्रेजुअल इवोल्यूशन है, तो बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें थोड़े से एनालिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, थोड़े से आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग ने वैसे अपनी इच्छा से नामकरण कर दिया पेरीप्लेटस या फिर वेलवेट वॉर्म, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनालिडा की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके पास काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है एंड पेयर्ड अपेंडेजेस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। अब एक और पॉइंट है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या होता है,
एंशियंट एनिमल्स होते हैं जिनके पास बहुत पुराने प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 200 मिलियन ईयर्स से वो वैसे के वैसे होते हैं और उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल। ठीक है, ये वर्ड आप शायद शायद पढ़ते पढ़ते कहीं आप को मिल जाए, इसलिए लिविंग फॉसिल का मतलब होता है बहुत पुराने एनिमल्स जिसके पास प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड होते हैं एंड देर इज़ नो चेंज सिंस देन। ओके, विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर आर्थ्रोपोडा, फाइनली इतना बड़ा फाइलम कम्प्लीट होता है, एंड ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड विद अवर वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बाय बाय।